नमस्ते वंदे मातरम सुस्वागतम श्री औरविंदो के तीन पागलपन थ्री मेडनेसेस ऑफ द्री ऑफ कोर्स ये पागलपन जब समझ में आता है तो मैं नहीं सोचता हूँ मैं नहीं बोल सकता क्यों श्री औरविंदो जी ने अपना पागलपन ऐसे बताया है ये लेटर में इसी जो लेट इज प्राइवेट लेटर टू मृणालिनी देवी इट वॉज प्राइवेट कम्प्लीटली प्राइवेट निजस्व लेटर था लेटर और अंतिम में आप विथ ड्यू अपोलॉजी में आपको बोलना ये चाहता हूँ कि द ऑन द लास्ट लाइन ऑलमोस्ट श्री और इन द एंड द लेटर इस लेटर में एक रिक्वेस्ट था श्री औरविंदो जी का अमरणी देवी के पास के लिए दिस इज सीक्रेट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज द सीक्रेट आई वॉन्ट टू टेल मैं आपको बोलना चाहता हूँ वही सीक्रेट डोंट ब्रीद द वर्ड ऑफ इट टू तो एनी किसी को पता नहीं चाहिए किसी का सांस में भी ये शब्द नहीं आ, एक शब्द नहीं आने चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं वी आर डेविएटिंग दिस लेटर वो प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट जब श्री अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया गया ऐसे कुछ पेपर कुछ है पुलिस का जो अनुसंधान चल रहा था कुछ ऐसे कुछ प्राइवेट लेटर मिल जाए जैसे कि उसको कन्विक्ट किया जाए दोषी किया जाए पाया जाए लेकिन इससे कुछ नहीं मिला ये जो लेटर था इसको डिस्कवर करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया इट इज़ अ बर्निंग एस्पिरेशन ऑफ इज सोल जिसमें तो पाया गया क्या है आत्मा के अभिप्सा का तज्वलंत तो अभिप्सा थर्स्ट फॉर गॉड भगवान के लिए तृषा और खिदा यर्निंग फॉर टू सी हिम भगवान को पाने के लिए मिलने के लिए भगवान के साथ मिलने के लिए जो कामनाएं अस्पृहाएँ एंड पैसोनेट लव फॉर द मॉर फिर जी मदरलैंड अपना जो मदरलैंड <coughs> मातृभूमि के लिए जो प्रेम इसी भाव हमको प्रतियवान होता है लेटर ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी इंग्लिश को एम सॉरी इंग्लिश को इट वॉज ए इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा गया था थर्टीन थर्टीथ अगस्त नाइनटीन नॉट नोट फाइव उन्नीस सौ पाँच अगस्त ती तीस तारीख को यह लेटर लिखा गया था श्री रविंदो जी ने लिखते हैं और शुरू करते हैं मेरा तीन पागलपन है आई हैव गॉट थ्री मैडनेसेस वेरी इंटरेस्टिंग नॉर्मली जस्ट इमेजिन जिन भगवान वो तो लिखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं लेकिन हम मैन अगर मुझे पूछा जाए तो मैं आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट मुझे कुछ बोलना लेकिन लेकिन ये बोल सकता हूँ भगवान के किस लिए लिखते हैं और इट इज़ ए प्राइवेट लेटर ऑलरेडी बताया हम अपना शोकल्ड ह्यूमान लीला के एक अंश अपना पत्नी के लिए मृणालिनी देवी के लिए जो भेजा गया था तो इसमें मेरा कुछ कमेंट देना नहीं और इसमें कमेंट मेरा जहाँ तक मेरा एक स्वभाव है मैं इसके बता नहीं सकता बोल नहीं सकता हूँ दैट इज व्हाट जो तीन पागल पंच में पहला जो आता है द फर्स्ट इज दैट जो तीनों से पहला क्या होता है आई स्ट्रॉन्ग फार बिलीव दैट मुझे ये विश्वास है मेरा पास प्रतीयमान होता है फटे पर भर्च्यू टैलेंट नॉलेज लर्निंग एंड वेल्थ पांच चीजों के बारे में श्री और बिंदो बोलते हैं जो भी मेरा पास है अफकोर्स लेफ्ट आई छोड़ दिया राइडिंग को चलाना के लिए वो डिलीपरेटली बिकेम एबसेंट तो छोड़ दिया गया तो बोलते हैं मेरा जो मेरा पास जो पांच चीज़ व्हाट एवर पांच चीज़ जो मेरा पास है पहला भर्च्यू दूसरा टैलेंट जो ज्ञान है लर्निंग जो शिक्षा नॉलेज जो ज्ञान और वेल्थ जो संपद मेरा पास है भगवान ने मुझे दिया है ये सब कुछ भगवान का है ऑल बिलोंग टू हिम तो मेरा क्या इसमें मेरा रोल क्या है दैट आई एम एंटाइटल टू स्पेंड ऑल्ली एज मच एज नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माई फैमिली परिवार के भरण पोषण के लिए अपना खर्चे के लिए जितना है इतना ही मैं करूंगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा और जो बाकी बचा रहा तो, तो क्या करूंगा इसको आप सल्यूटली नेसेसरी जो बहुत जरूरी है इसके खुद के लिए परिवार के लिए मैं इसको खर्च करूंगा बाकी जो जो रह गया ये बोलका को क्या मैं करूंगा इसको शुड बी रिटर्न टू गॉड भगवान के लिए मैं वापस कर दूंगा वही है इसको वापस करने के लिए क्या है नॉट ओनली मई वेल्थ ये जो मेरा पैसा मेरा ये सब नहीं है पांच चीज मेरा पास दिया गया भगवान ने मुझे दिया है पहला है क्या है भर्च्यू दूसरा टैलेंट तीसरा लर्निंग चौथा नॉलेज एंड वेल्थ एप्सल्यूटली नेसेसरी जो होगा मैं इसको खर्च करूंगा और जो बाकी रहा इसको भगवान को वापस कर देता कर दूंगा दिस इज माई फर्स्ट मैडनेस पागलपन ये पहला पागलपन और दूसरा जाते हैं सेकंड फोली रिसेंटली बोलते हैं क्या इन दिस क्या होता है आई वॉन्ट टू आई मस्ट सी गॉड फेस टू फेस भगवान को मैं सामना सामना सामने देखना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू सी गॉड फेस टू फेस गेट इज ए डायरेक्ट रियलाइजेशन इसका जो अभिव्यक्तियाँ हैं अनुभूतियाँ हैं मुझे प्राप्त करूँगा सीधा फेस टू फेस इससे कुछ नहीं है इससे मेरा कुछ मैं सोचता हूँ जैसे मान लीजिए साधना करता हूँ कुछ रियलाइजेशन आते नहीं फेस टू फेस रियलाइजेशन होना चाहिए द रिलीजन टू डे ऑफ रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन एवरी नाउ एंड अगर आप धर्म का पाबंदी को और इसका अंदर जो जो सर्कल है इसका अंदर अगर चल जाएगा तो आपका भगवान का नाम सुनाई देता देगा नाउ आर देन एंड इन प्रेइंग टू हीम प्रार्थना भी सुना ही देगा एवरी बडी इज प्रेजेंस एंड इन शोइंग पीपुल हाउ रिलीजियन वन इज रिलीजियस वन इज दिखा भी मिलेगा कितना वो धार्मिक है क्या क्या करता है बहुत बड़ा ये धर्म बहुत होता है बहुत बड़ा है ये सब चीज़ है बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट मैं ये कुछ नहीं करना चाहता हूँ ये मुझे पसंद नहीं अगर भगवान है तो इफ गॉड इज देयर देन देयर मस्ट बी अ वे ऑफ एक्सपीरियंस इंग एग्जिस्टेंस इसका जो स्थिति है इसको अनुभव करने के लिए कोई तो रास्ता होगा रास्ता तो होगा ए वे रास्ता होगा और रियलाइजिंग हिज प्रेजेंस इसका उपस्थिति को अनुभव करने के लिए अनुध्यान करने के लिए ये तो वो भी कुछ होगा हाउ ए पर हार्ड द पाथ ये रास्ता रहो जितना भी कॉस्ट हो सकते आई एम रिजल्ट टू फॉलो इट मैंने अनुशीलन कर लिया डिसाइड कर लिया स्थिरीकृत कर लिया कि जरूर फॉलो करूँगा आई वुड लाइक टू टेक यू ऑल्सो अलोंग दिस पाथ मुरानली देवी के लिए ये सबके लिए प्रयुज्य है हमारे लिए भी बिकॉज इट हैज़ बीन यूनिवर्सलाइज्ड क्योंकि एक बात मैंने बोला था इज ए सीक्रेट आई वॉन्टेड टू टेल डोंट ब्रीद ए वर्ड ऑफ इट टू एनी बॉडी किसी का पास ये इसका सांस भी जाने नहीं चाहिए एक वर्ड भी जाने नहीं चाहिए लेकिन तो वो अभी यूनिवर्सल हो गया क्योंकि एल्टर तो कोर्ट में सबमिशन हो गया था तो बोलते हैं क्या बोलते हैं जो आई मस्ट आई वुड लाइक टू टेक यू अलोंग द पाथ वही जो राहों में मैं आपको भी साथ में ले कर चलूँगा एनी बडी कैन रीच परफेक्शन बाई फॉलोइंग इट पुण्य था और जा सकता है और पा भी सकता है ये राहों में जाके चलते बट इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द टू एंटर द पाथ ये राहों में आना चाहते तो अब इसका इसका इरादा है अगर ये सब है तो मैं जरूर आपके लेके जाऊँगा सब भी जाएंगे आप भी जा सकते हैं पहुंच सकते हैं और कोई भी जा सकता है लेकिन ये लोगों के पास चॉइस होने चाहिए दूसरा है पहला क्या हुआ जो भी है मुझे जो दिया गया है भगवान का जितना बहुत आवश्यक है मैं आपके लिए खर्च करूंगा आपको आपके लिए परिवार के लिए खर्च करूंगा बाकी जो है भगवान को वापस करूंगा दूसरा है अगर भगवान का एग्जिस्टेंस है अगर है तो मैं जरूर आई वांट टू सी फेस टू फेस वो डिवाइन रियलाइजेशन मुझे आने चाहिए मैं धार्मिक बनना नहीं चाहता हूँ धर्म के उपदेश नहीं जानना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू मीट फेस टू फेस और लास्ट में बोलते हैं मैं आपको भी साथ में लेकर चलता हूँ कोई भी जा सकता है किसी को भी मिल भी सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जाना चाहता है तो प्रवेश करना चाहता है तो थर्ड फली तीसरा पागलपन बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या बोलते हैं ये जो मेरा जो देश जहाँ पे हम जन्मभूमि जहाँ जो देश में हम वास करते हैं जिस देश में हम रहते हैं इसी को सारे लेते हैं एक मैटर नंबर ऑफ फ़ील्ड्स प्लेन्स फॉरेस्ट माउंटेन्स एंड रिवर्स इसी को क्या लोग सोचते हैं जैसे कोई एक भूमि है जंगल एक समतल एक पहाड़ एक नदी ये इसी को सिवा इसी को छोड़ के कुछ नथिंग मोर कुछ भी नहीं सोचते बट मेरा ख्याल और मेरा स्वभाव मेरा चिंतन सबसे अलग है आई लुक अपन हर एज माई मदर लेकिन मैं इसको क्या सोचता हूँ ये माउंटेन रिवर वैली क्लेप फॉरेस्ट ये नहीं सोचता हूँ ये मेरा माँ है माँ है और आई वर्सिप एंड आर्डोर हर मैं इसको आराधना करता हूँ पूजा भी करता हूँ क्योंकि वो देश से, जिस देश में हम रहते हैं जिस धरती पर हम निवास करते हैं मैं इसको माँ भी सोचता हूँ माँ मान लेता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ आराधना भी करता हूँ वट उड दी सीज ए डेमोनसेटिंग अपॉन द मदर चेस्ट एंड ड्रिंकिंग द लाइफ ब्लड प्रभु के प्रश्न है मृणालिनी देवी के लिए इसके लिए और हमारे लिए मान लीजिए एक माँ के ऊपर छाती के ऊपर कोई बैठ के एक असुर पिशाच बैठ के इसका रक्त का सेवन कर रहा है पान कर रहा है तो इसका बच्चा क्या करेगा आराम से जाएगा खाना पाना खाएगा वही होगा क्या वटवुड सन डू वेन इज सीज एट डेमोन सिटिंग ऑन द मदर्स चेस्ट माँ की बक्ख्य के ऊपर बैठ के क्षति के ऊपर बैठ के रक्तश्मा ड्रिंकिंग हर लाइव ब्लड तो वो क्या करेगा उड़ी सिट डाउन को इटली एंड टेक मिल्स एंड एंजॉय हिमसेल्फ खाना खाएगा और वो एंजॉय करेगा वो ही इज इट एक्सपेक्टेड और उड़ी ही रदर रन टू द मदर्स रिस्क्यू और माँ की सहायता के लिए भागेगा दौड़ेगा क्या करेगा इसके बाद प्रभु जी बोलते हैं आई नो आई हैव स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट द फॉल ऑन रेस एक दो का बात नहीं बोलते हैं किसी एक एनवायरनमेंट किसी एक देश का किसी एक राज्य का बात नहीं बोलते हैं रेस गिरा हुआ है मैं इसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं आई है स्ट्रेंथ मेरा पास सकता कौथ है इट इज नॉट द फिजिकल पावर ये शारीरिक शक्ति नहीं है बट द पावर ऑफ नॉलेज ज्ञान का शक्ति द प्रोसेस ऑफ क्षत्रिय इज नॉट ओनली द फोर्स द द क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो खड़ का अस्त्र इसको जी को निकाल के जो लड़ाई करता है ये शक्ति को ओरिजिनल शक्ति नहीं बोलेंगे बट क्या है फायर पावर ऑफ द ब्राह्मीण देर इज द देर इज द फायर पावर ऑफ ब्राह्मीण ये जो ब्राह्मण का जो पावर है फायर पावर अग्नि का शक्ति है द ब्लेजिंग पावर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान का जो तेजोद्दीप्त शक्तियाँ वो है दिस इज नॉट नाउ ए फीलिंग विद इन मी ये एक अनुभूति नहीं है मेरा पास आई वॉज बर्न विथ इट इसको लेके इसका आधार पर मैंने जन्म में पैदा जन, हुआ था जन्म लिया था इट इज इन माई वेरी मैरो जहाँ भी देखो एक हर अंश में हर कोस में हर बोन मैरो में इस यही तो है ये ताकत है इट इज टू अकम्प्लिस ग्रेट मिशन दैट गोडा सेंट मीट टू दर्थ भगवान ने मुझे प्रेरण किया मैं भगवान प्रेरित हूँ इधर आया हूँ इसी काम को निभाने के लिए इसको रूप रंग देने के लिए मैं इधर तो आया हूँ दैट इज व्हाट दैट्स व्हाट मदर्स मैसेज जो दिव्य संदेश माँ की ने अपना सुना होगा वी अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इट इज नॉट ए टीचिंग ये शिक्षा नहीं है कुछ नीति व्याणी भी नहीं है ये भगवान से प्रेरित प्रत्यक्ष क्रिया डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम वही है श्री अरविंद वो तो बोलते हैं that 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 for that, it is to accomplish this great mission that God has sent me to the earth bhagwan भगनबाद ने प्रेरित किया है तो लेटर में इट इज इन दिस वेरी लेटर और क्या क्या मिलता है द होल कंट्रीज एट माई डोर्स सारा प्रदेश सारा देश मेरा सामने मेरा द्वार के सामने खड़ा है सिकिंग फॉर सेल्टर एंड हेल्प किस लिए सहायता मांग रहा है और मेरा आश्रय मांग रहा है मिलियंस ऑफ माय ब्रदरन करोड़ों लाखों करोड़ों देशवासियाँ मेरा भाई और बहन अब होम दे आर डाइंग ऑफ सर्वेशन खाने नहीं मिलते उपवास में रहते हैं खाना नहीं मिलता है दे मस्ट बी हेल्प्ड इसको ये लोगों को सहायता चाहिए फिर शेयर बिंदु और एक बार जाते हैं सामने द सोर ऑफ द मिलियंस इज इन हिज लोनली ब्रेस्ट सोर ऑफ द मिलियंस करोड़ों का लाखों का दुख ये अपना खुद ही ये लोगों का दुख नहीं था इट हॉट श्री और लोनली ब्रेस्ट इसके बाद अपना तो सनेट में श्री औरविंदो लिखते हैं द द ऑफ मिलियंस इज इन हिज लोनली ब्रेस्ट फिर एक जाते हैं लैंड एन में तो एक बार बोल दिया लेकिन ये जो चिट्ठी पत्रिका पत्र लिख के लिखने के बाद श्री औरविंदो बोलते हैं द सीक्रेट आई वॉन्टेड टू टेल यू इसका पीछे जो सीक्रेट जो गुहत ज्ञान था गुहत था मैंने बोल दिया प्रसन्नता डोंट ब्रीद ए वर्ड इट टू अफ इट टू एनी बॉडी किसी का पास ये खबर नहीं जाने चाहिए फिर श्री अरविंद बोलते हैं इन मोस्ट थर्ड्स एंड फीलिंग्स किस्सा था आपको तो जरूर पता चल गया होगा जिससे भी उत्तरापरा अभिभाषण उत्तरपरा अभिभाषण ने आपने तो जरूर सुना होगा इसमें भी सुना होगा कितना मदल के प्रिय लिए देश मातृका के लिए कितना प्रेम भाव था तो इसी टाइम ये लेटर को पढ़ के शायद मुझे नहीं मालूम शायद फुली इसको समझ में नहीं आती होगी ये मालूम नहीं पर सीट डिड नॉट फॉलो हिम लेकिन वो समझ नहीं पाई क्योंकि ऑर्डिनरी को बोल तो नहीं सकते लेकिन चेतना कुछ अलग था सी लिव्ड इन कलकत्ता टिल द डेथ 1918 एटीन एंटर इंटू पाथ जो आएगा तो मैं इसको उधार करूँगा लेकिन आ, तो तो आए वो तो आई नहीं टिल द लास्ट टिल हर डेथ टिल 1918 एंड रिसीव्ड इनिशिएशन दीक्षा फ्रॉम रामकृष्ण परमहंस अंड सरदामणि देवी एंड इट वॉज द वेरी फॉर्चुनेट दैट्स फाउंड ए ग्रेट स्पिरिचुअल रिफ्यूज वही हाँ वही था संदेश यही संदेश के देवी के लिए था और हमारे लिए था वही तीन पागलपन श्री अरविंद को प्रणाम करते हैं धन्यवाद